जन सरपसंद नाजर हुए नर्सों के साथ मिलकर अटैक किया है। नर्सों ने डॉक्टर पर धावा बोल दिया, हमला कर दिया, लातों घूंसों मुक्कों का आजादाना इस्तेमाल, मार मार कर जख्मी कर दिया। नर्सों ने डॉक्टर पर इल्जाम लगाया है कि डॉक्टर उन्हें जिंसी तौर पर हिरासा करने की कोशिश करता था, वाहियात मैसेजेस भेजता था, मना करने के बावजूद बाज नहीं आया। और ये रवैया किसी एक नर्स के साथ नहीं, कई एक के साथ था। हमने सी एस साहब के ऑफिस में कंप्लेन की, उस कंप्लेन के बाद सी एस ने कहा कि मंडे को इंक्वायरी है, तो उसके बाद मेरे मोबाइल पे धमकी आ रही थी, मुझे प्रेशराइज किया जा रहा था कि ये कर देंगे, ब्लैकमेल किया जा रहा था, फिर भी उसके बावजूद भी आज सुबह के टाइम आया। फिर ना मेरे रोने लगी तो मेरी फ्रेंड्स ने बोला चल उसके जाके बात करते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। फिर हम गए तो ओटी में मैंने जाते उसको बोला ये मेरा मोबाइल देखो, ये अब तुम क्या कर रहे हो, जब इतना कुछ कह दिया उसकी इंक्वायरी में फिर क्या कह रहे हो, उसके बाद क्या कह रहे हो। तो उसने मेरा मोबाइल को धक्का दिया, मुझे यहाँ से गिरे बाल से पकड़ा और मेरे थप्पड़ मारे। कल परसों से ब्लैकमेल कर रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ से रॉन्ग नंबर आ रहे हैं, इसको प्रेशराइज कर रहा है कि बात खत्म कर दो, पैसे देने को तैयार है। इसके बाद उसने मोबाइल छीना, नीचे फेंका, इसको धक्का दिया। आज नर्सें आपे से बाहर हो गईं और डॉक्टर को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। ऑपरेशन थिएटर में जब नर्सों और डॉक्टर का आमना सामना हुआ तो तल्ख कलामी से शुरू होने वाला झगड़ा मार कुटाई पर खत्म हुआ। दूसरी तरफ जख्मी डॉक्टर का मौकफ है कि नर्सों को ऑपरेशन थिएटर में बनाओ सिंघार और बदतमीजी से रोकने पर नर्सों और उनके साथियों ने उस पर हमला किया। मैं अपनी ड्यूटी पे बैठा हुआ था, चंद सरपसंद नर्सों के साथ मिल गए जो है आके मुझ पे अटैक किया। उनके साथ दूसरी चार पांच नर्सें और थी, आके जो है अटैक किया। एक दो दिन पहले भी इधर ओटी में मेरे स्टाफ के सामने बदतमीजी करके गई थी। एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट के मुताबिक डॉक्टर को चंद माह पहले भी मरीजा से बदतमीजी की शिकायत पर सिविल अस्पताल मीरपुर खास से हटाकर अंदरूने सिंध के एक तहसील अस्पताल तबादला कर दिया गया था। वाकये के बाद अस्पताल में एम्बुलेंस पहुंच गई और मरकजी गेट बंद करके तमाम ऑपरेशन मुलतवी कर दिए गए।